हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आगे हम लोग और एक नया नोटिफिकेशन लेके, आज का जो ऑफिशियल अपडेट है BSL स्टाफ नर्स मेडिकल ऑफिसर नोटिफिकेशन का बारे में हम इस वीडियो में आप लोग को पूरा जानकारी देगा। सो छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरा चैनल नया विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और पूरा वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इसमें ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्ट इंडिया लिमिटेड तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया स्टाफ नर्स और मेडिकल ऑफिसर के लिए, और भी अलग अलग स्ट्रीम्स का हिसाब से नोटिफिकेशन जारी किया। ठीक है, सो पूरा वीडियो आप लोग क्लास तक देखिए। यह जो ऑफिशियल जो डेट है 12/8/2022 में इसका ऑफिशियल अपडेट किया। जो लोग आप लोग इस पोस्ट में आवेदन करना चाहते हैं, ऑनलाइन में आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो वैकेंसी जो इंस्टीट्यूशन है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आयुर्वेद न्यू दिल्ली की तरफ से इसका रिक्रूटमेंट हो रहा है। ठीक है, इसमें देखिए मेडिकल ऑफिसर का जो कि मेडिकल ऑफिसर के लिए जो पोस्ट है आयुर्वेद के लिए 6 है, उसके बाद अलग अलग पोस्ट के हिसाब से देखा जाएगा तो अलग अलग है। मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेद के लिए 2 वैकेंसी है। इसमें आप लोग को जो एज और मंथली इनकम कितना मिलेगा और क्या क्या एक्सपीरियंस पूरा डिटेल्स यहाँ पर दिया है, आप लोग अच्छे से एक बार देख लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं स्टाफ नर्स। ठीक है, स्टाफ नर्स का दोस्तों देखिए यहाँ पर स्टाफ नर्स का जो एसेंशियल जो पद है, इसमें आप लोग को 12 पोस्ट के लिए पद में चुना जाएगा। जो लोग इंटरेस्टेड है इस पोस्ट में आवेदन कर सकता है। बीएससी नर्सिंग रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट 2 ईयर्स एक्सपीरियंस रहना जरूरी है। नर्सिंग होम का भी होगा तो चलेगा। ठीक है, ऊपर से नर्सिंग एमएससी नर्सिंग करके रखा तो इस पोस्ट में आवेदन कर सकता है। 1 ईयर एक्सपीरियंस रहना जरूरी है। होम नर्सिंग होगा तो भी चलेगा। डिप्लोमा नर्सिंग जेएनएम नर्सिंग करके रखे तो आप लोग इस पोस्ट में आवेदन कर सकता है। ऊपर से आप लोग को 4 ईयर्स एक्सपीरियंस रहना जरूरी है स्टाफ नर्स के लिए। होम नर्सिंग करके रखा तो और भी अच्छा है। इसमें आप लोग को 45 तक एज रहेगा, सैलरी मिलेगा 37,500 मिलेगा। ठीक है, बहुत एक अच्छा पोस्ट है। आप लोग जो लोग इस पोस्ट में आवेदन करना चाहता है, बहुत एक अच्छा पोस्ट है। से इसमें और भी पोस्ट है देखिए, जो कि ओटी टेक्नीशियन के लिए भी पोस्ट लेकर जा रहा है। इसमें आप लोग ऑपरेशन थिएटर का असिस्टेंट बीएससी करके रखा था, इस पोस्ट में आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए 1 पोस्ट रहेगा। उसके बाद नीचे और भी पोस्ट है, आप लोग वेरियंस जो स्ट्रीम्स है इसके हिसाब से आप लोग देख लेना। ठीक है, सो यहाँ पे एक अच्छा पोस्ट है बोला जाएगा तो। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे पूरा नीचे ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप लोग देखिए। सिलेक्शन विल बी मेथड जो पब्लिश नंबर उस जॉब परफॉर्मेंस विल बी गिवन द अकॉर्डिंग वर्किंग इन द सेम सिमिलर डिपार्टमेंट। ठीक है, TADA कोई अटेंडेंस टेस्ट कोई जॉइनिंग टाइम ऑन ड्यूटी आप लोग को सिलेक्शन का टाइम आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, सो आप लोग ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.bscl.com में जाके आप लोग ऑनलाइन में आप लोग आवेदन कर सकते हैं एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करके। ठीक है, आप लोग को जो कैंडिडेट अप्लाई करेगा उसमें आप लोग को टेलीफोन और SMS का द्वारा आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। ठीक है, आप लोग इसी वेबसाइट में जाके देखिए। लास्ट जो सबमिशन है 31/8/2022 को इसका लास्ट सबमिशन है। आप लोग ऑनलाइन में जाके आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो ऑफिशियल जो ईमेल देगा इसमें जाके आप लोग वेबसाइट में जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो बार बार बोल रहे दोस्तों एक अच्छा पोस्ट है स्टाफ नर्स के पदों में। जो लोग इस पोस्ट में आवेदन करना चाहते हैं, ये बारमान पोस्ट के लिए चुना जाएगा आप लोग को। सो बहुत एक अच्छा पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए आप लोग जितना भी कैंडिडेट इस पोस्ट में आवेदन करना चाहता है उन लोग के लिए बड़ा एक मौका है दोस्तों। आयुर्वेद ऑल इंडिया आयुर्वेद के तरफ से दोस्तों यहाँ पे स्टाफ नर्स के लिए 12 पोस्ट के लिए लेकर जाएगा। बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग डिप्लोमा जो करके रखा जेएनएम उन लोग इस पोस्ट में आवेदन कर सकते हैं। इसका जो सैलरी का 37 से लेकर 500 के आसपास मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग को जो सिलेक्शन रहेगा राइटिंग एग्जाम का हिसाब से आप लोग को चुना जाएगा। इंटरव्यू का टाइम आप लोग को चुना जाएगा लग रहा है। सो उसके हिसाब से आप लोग ऑनलाइन में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जितना भी कैंडिडेट इस पोस्ट में आवेदन करना चाहता है उन लोग के लिए एक अच्छा मौका है। सो बहुत दिन के बाद इसका जो दिल्ली न्यू दिल्ली का तरफ से इसका ऑल इंडिया वैकेंसी का तरफ से इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, हम जरूर आप लोग को सहायता करेगा। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू दोस्तों वीडियो वॉच करने में। मिलते हैं दोस्तों और एक स्पेशल वीडियो लेके। सो यहाँ पे जितना भी कैंडिडेट ये वीडियो को वॉच कर शेयर कर दीजिए और भी कैंडिडेट को, ये परमानेंट पोस्ट के हिसाब से आप लोग को लेकर जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए। मिलता है और एक अच्छा वीडियो लेकर।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देखेगा तो आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे डिटेल्स दिया है। यहाँ पे जाके आप लोग फोटो सिग्नेचर, बाद सिग्नेचर कैसे कैसे करना है, ऑफिशियल स्टेप टू स्टेप कैसे जाना है, पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया है। सो कितना मिलेगा जनरल के लिए, जो जो पे मिलेगा आप लोग को, देखिए मंथली जो वार्डर पोस्टल में, इसमें देखिए आप लोग ऑनलाइन में पेमेंट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के थ्रू में। उसमें देखिए आप लोग को जो जनरल का 750 रुपीज़ लगेगा, और OBC के लिए 750, SC ST के लिए 450, एक्स सर्विस मैन के लिए 750, वोमेन के लिए 750, EWS के लिए 450, ठीक है। सो बैंक का GST, बैंक चार्ज विल बी प्रॉन इन बाय द कैंडिडेट। सो GST, बैंक चार्ज कोई नहीं लेगा कैंडिडेट के थ्रू से। सो जितने भी कैंडिडेट रिस्पोर्ट का अपने के लिए, उन लोग के लिए एक छोटा सा जानकारी।